हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीड मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस. कैसे हैं बेटा आप सब लोग? आई होप जो आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं आप उसे अच्छे से कवर कर रहे हो. चलिए चलिए बच्चों, तो आज क्या है, आज क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई बताएगा मेरे को? अच्छा, आज ईद है और आज ईद उल फितर है बच्चों, और आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है. एंड वन मोर थिंग, आज मेरे फादर का भी बर्थडे है. ठीक है, तो ये तीनों चीज़ मिला के बहुत ही आज स्पेशल दिन है. आज इसीलिए आपको क्या होना है, काफ़ी एनर्जेटिक तरीके से पढ़ना है. सबसे पहले तो बच्चों, ईद की बहुत मुबारक आपको. ठीक है, आज सबको ईदी मिलेगी, सब अच्छे से इन्जॉय करना. सेकेंडली, आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इशू, आज ये चैप्टर स्पेसिफिकली हमने इसलिए लिया है क्योंकि आज हम मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. आपको पता है आज 5 जून है. ठीक है बच्चों, आज हम देखेंगे एनवायरमेंट की इम्पोर्टेंस को. ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि एनवायरमेंट क्या है, व्हाट इज एनवायरमेंट? ठीक है बच्चों, एनवायरमेंट इज एवरीथिंग, एयर, वाटर, लैंड, सब चीज़ें मिलके क्या बनाती है, एनवायरमेंट. ठीक है, एनवायरमेंट के अंदर हम कुछ नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ हमें पढ़ना है कि एयर की क्वालिटी क्या है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है. आज जो है बच्चों, सबसे गूंज प्रॉब्लम है इंडिया की नहीं, वर्ल्ड वाइड सबसे मेजर प्रॉब्लम है पॉल्यूशन. आपको पता है कि पॉल्यूशन कितना अनडिजायरेबल इफेक्ट कॉज करता है बच्चों? आपको ये भी पता है कि आज हम जिस एनवायरनमेंट में हैं वो एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना सुटेबल है, कितना बेटर है? ठीक है, लोग क्यों प्रेफर करते हैं अच्छी जगह रहना, जहाँ पेड़ पौधे हों, सब कुछ हो? क्योंकि बच्चों, वहाँ का एनवायरनमेंट हमें इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमें फीजिबल बनाता है, हमारी वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए हम वहाँ पर स्ट्रांग बनते हैं, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, या फिर हमारे सोसाइटी की बात हो. ठीक है बच्चों, आज इसी मौके पर हम लोग जानेंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की इम्पोर्टेंस क्या थी, जो 1986 में इस्टेब्लिश हुआ. ठीक है, हम जानेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में. ठीक है, नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, हम बहुत सारे वेस्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेस्ट के बारे में जानेंगे. तो टुडेज चैप्टर इज ऑल अबाउट एनवायरमेंट, और आज खास मौका भी है, आज 5 जून है, आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, तो हम कुछ ऐसी चीज़ें भी जानेंगे ताकि हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे हम अपने एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. बच्चों, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी गवर्नमेंट की नहीं है कि वही हमारे एनवायरनमेंट के लिए बड़े बड़े लॉज इम्प्लीमेंट करें, इस्टेब्लिश करें, वही ध्यान रखें. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर उस इंसान की जो चाहता है एक बेहतर एनवायरनमेंट, एक बेहतर कल. ठीक है, और बच्चों ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. वाई क्यों है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? बिकॉज जितना आज हमें राइट है बच्चों अच्छे एनवायरनमेंट में रहने का, अच्छी चीज़ों को इंजॉय करने का. आप लोग, गर्मी हो रही है तो माउंटेन्स पे चले जाओगे, सुबह सुबह सबको अच्छा लगता है चिड़ियों का चहचहाना, अच्छा लगता है ना, ग्रासेस पे चलना नंगे पाँव. तो ये सब चीज़ें क्या है बच्चों, एनवायरनमेंट की देन है, एनवायरनमेंट के ब्यूटीफुल गिफ्ट्स हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं. ठीक है, तो यही चीज़ें हमें प्रिजर्व कर करके अपनी आने वाली जनरेशन, अपनी फ्यूचर जनरेशन को देनी है, और यही कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो सारे आज हम कोर कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे बच्चों, साथ ही साथ जानेंगे हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे इसकी इम्पोर्टेंस, फिर हम जानेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रही है, क्या वो आज ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी पे की जाती है और हम उसे नज़रअंदाज किए हुए. सेकेंडली, फिर हम जानेंगे कि वो क्या रीज़न है, क्या वो सॉल्यूशंस हैं जो हम अपने एनवायरनमेंट को दे सकते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं. ठीक है, आज बच्चों सोसाइटी, गवर्नमेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम, आज इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, कभी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम ले लो, ठीक है, कभी आप आतंकवाद की प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा हमारी सोसाइटी में हमारे धर्म को लेकर इतनी ज़्यादा रिलीजन कम्युनिटीज़ है, कभी कहीं मुठभेड़ हो जाती है, कभी कहीं फाइट्स हो जाती हैं. तो बच्चों, इन सब के अलावा एक और मेजर प्रॉब्लम है, वो है एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन. जो एनवायरनमेंट दिन प्रतिदिन, डे बाय डे ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है, जो हमें फ्री ऑफ गिफ्ट्स मिल रहे हैं, हम उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते. इसीलिए
इंडिया की गवर्नमेंट के साथ वर्ल्ड वाइड जितनी भी गवर्नमेंट्स है बेटा, सभी ने मिलकर के एक मेजर एक्शन लिया टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, और इसी के तहत 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना। सब अच्छे समझ रहे हैं, ये डेट्स पूछी जाती हैं बेटा, ठीक है, ये एग्जाम में भी आती है और आपकी सीबीएसई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपसे कोई भी पूछ लेगा कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया जाता है, ठीक है, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो आप बोलेंगे 1986 में। चलिए तो अपने चैप्टर पे आते हैं हम। चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल इशू, मतलब चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इशूज हैं, चैप्टर एनवायरमेंट, ठीक है, यानी एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, आज हम वो पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो सब बच्चे तैयार हैं, ठीक है, वन बाय वन करके देखेंगे हम मेजरली। चलिए सबसे पहले एनी, यहाँ देखिए बच्चों सब लोग ध्यान से, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनवायरमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा है पॉल्यूशन। What do you mean by pollution? क्या होता है pollution? Pollution होता है बेटा, हम लोग क्या बात करते हैं environmental pollution की, तो environmental pollution क्या है? कोई भी environment में आती है हमारी air, हमारी water, हमारी land, ठीक है, अगर इन तीनों चीज़ों में, इन तीनों चीज़ों की quality में कुछ भी गलत होता है, उस चीज़ को कहते हैं pollution। कोई भी ऐसा अनडिजायरेबल चेंज हुआ, चाहे वो फिजिकली हो बच्चे, चाहे वो केमिकली हो, बायोलॉजिकली हो, इन सभी प्रॉपर्टीज़ में जब ऑल्ट्रेशन हो जाती है और वो ऑल्ट्रेशन गलत होती है, अनडिजायरेबल होती है, उसको कहते हैं पॉल्यूशन। गॉट इट, सबको समझ में आ गया? द फैक्टर्स दैट कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। वो फैक्टर्स जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं उनको क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एयर पॉल्यूशन की बात करूं, तो आप मुझे कोई मेजर पॉल्यूटेंट बता सकते हो? बताओ, बहुत सारी गैसेस हैं बच्चों जो मेजर पॉल्यूटेंट गैसेस हैं। आपको पता है ऑटोमोबाइल्स में से हार्मलेस गैसेस जैसे CO2 हो गया, N2 हो गया, ये सब हार्मलेस गैसेस है, ठीक है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में भी प्रेजेंट है। लेकिन इन्हीं हार्मलेस गैसेस के साथ बच्चों हार्मफुल गैसेस भी होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, आप लोगों को पता है। अभी आपने एक केस भी सुना होगा कि कुछ लोग ट्रक में सोए हुए थे, 4-5 लोग थे और वो रात में सोए हुए थे, तो ट्रक में से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही थी, तो मॉर्निंग में क्या हुआ, सब लोग डेड पाए गए। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है, 200 टाइम्स ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है हमारे ब्लड के साथ मिलने की, और हमारे ब्लड में जब ऑक्सीजन मिलती है तब वो बनाती है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है, लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है तो रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाती है। रिवर्सिबल होने के कारण कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए पॉइजनस होता है। तो ये गैसेस बहुत पॉइजनस है बच्चों, इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा? पॉल्यूटेंट। तो आप समझ गए पॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी अनडिजायरेबल चेंज, चाहे वो फिजिकली हो, केमिकली हो या बायोलॉजिकली हो, उसको क्या कहते हैं बच्चे? उसको कहते हैं पॉल्यूशन, ठीक है, इन केस ऑफ वाटर, लैंड, सॉइल या एनवायरमेंट का कोई भी हिस्सा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट होता है पॉल्यूटेंट्स, वो चीज़ें जो पॉल्यूशन कॉज करें उनको कहते हैं पॉल्यूटेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए सब समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है बेटा, लिख लिया होगा आपने, अब आता है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन वी हैव? फर्स्ट एयर पॉल्यूशन, ठीक है, नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन, थर्ड सॉइल पॉल्यूशन एंड फोर्थ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। बच्चों हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे पॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, ठीक है, जैसे सपोज दैट कुछ मेजर पॉल्यूशंस में आते हैं, कुछ माइनर पॉल्यूशंस में आते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मेजर पॉल्यूशन फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, जैसे सबसे जो ड्रास्टिक है बच्चों एयर पॉल्यूशन है। आज दिल्ली की हवा देख लीजिए, जहरीली हो चुकी है बेटा, ठीक है, सर्दी आते हैं यहाँ पे स्मोक की प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पे कितने ज़्यादा पेशेंट्स हैं, अस्थमैटिक पेशेंट्स इतने ज़्यादा हैं बेटा। कहते हैं कि दिल्ली में आने के बाद लगभग 2 या 3 साल तो लाइफ स्पेन आपका वैसे ही कम हो जाता है। तो क्यों ये सब क्यों है? ये सब है बच्चों एयर पॉल्यूशन के कारण, ठीक है। सेकेंड होता है आपका वाटर पॉल्यूशन।
आपको पता है अगर 0.1% इम्प्योरिटीज हमने अपने फ्रेश वाटर में मिला दी तो वो वाटर कैसा हो जाता है बेटा, बताइए कैसा हो जाता है? बोलो, वो हो जाता है अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग या अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। आप उसको पी नहीं सकते हो, ठीक है? अगर आप उसको पीते हो तो आपको मेजर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, कुछ डिजीज आपको हो जाएंगी, ठीक है बेटा। थर्ड आता है सॉइल पोल्यूशन। आज आपको पता है सॉइल पोल्यूशन भी एक बहुत ही मेरी बहुत ही बर्निंग प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बच्चों आज जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में हम लोग देखते हैं जो फार्मर्स हैं वो फ्री टाइम नहीं देते, ठीक है? एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाते हैं, तीसरी फसल उगाते हैं, इससे क्या होता है बच्चों, एरिडिफिकेशन होता है, एरिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स वहाँ पे आ जाते हैं, इससे क्या होता है फसल में भी नुकसान होता है और मिट्टी को भी नुकसान होता है। सेकेंड होता है बच्चों एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है? तो नेक्स्ट जो पोल्यूशन की फॉर्म है बच्चों वो है हमारी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, जिसको हम रेडिएशन पोल्यूशन भी कहते हैं। ये क्या है बेटा, आज आप जानते हैं कि चाइना कैसी कंट्री है बच्चों, एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है? वहाँ से इंडिया क्या खरीदता है, बहुत सारी उनका जो वेस्ट होता है, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, जो ई वेस्ट भी होता है, उनको हम लोग खरीदते हैं, ठीक है? उनमें से जो चीज़ें हमें चाहिए होती है वो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों यहाँ पे देखने वाली, कि जो एक्चुअल वेस्ट बच जाता है अब उसको डंप कहाँ पे करें? अब मिट्टी के अंदर डंप करेंगे तो मिट्टी की क्वालिटी खराब होगी, पानी के अंदर डंप करेंगे तो वाटर की क्वालिटी खराब होगी। तो एक्चुअल बच्चों जो वेस्ट हमारा चाइना से यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज से जो आ रहा है वो हमारे लिए भी पॉल्यूशन कॉज कर रहा है, ठीक है बेटा? तो इसीलिए आज हम चार मेजर पॉल्यूशन को देखेंगे, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड रेडिएशन पॉल्यूशन। गॉट इट? चलिए सबसे पहले आता है बच्चों एयर पॉल्यूशन के बारे में। एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एयर कॉल्ड एज एयर पोल्यूशन। मैंने आपको बताया था एनवायरमेंटल पोल्यूशन में एनवायरमेंट की पोल्यूशन को देखेंगे। एनवायरमेंट में के मेजर हिस्से क्या है बच्चों, एयर हो गया, वाटर हो गया, आपका लैंड हो गया। तो सबसे पहले हम एयर के पोल्यूशन को देख रहे हैं। अगर एयर की क्वालिटी में कोई फिजिकल चेंज आया है या कोई केमिकल चेंज आया है या कोई बायोलॉजिकल चेंज आया है तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं एयर पोल्यूशन, ठीक है? अब ये कैसे चेंजेस होते हैं, आपको पता है अगर एयर के अंदर कोई ऐसा वायरस आ गया, सपोज दैट एंथ्रेक्स है, ठीक है? एंथ्रेक्स किससे कॉज होता है बच्चों, बैसिलस एंथ्रेसस, ठीक है? आपको पता है ये क्या है, एक बायोवेपन है। बायोवेपन है मतलब अगर इसको आपने क्रिश मूवी देखी होगी, क्रिश मूवी में क्या था, एक मेजर टाइप ऑफ वायरस था, वो हवा में फैला दिया जाता है। अब हवा में फैलाने के बाद बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, उससे इन्फेक्ट हो जाते हैं, मरने लग जाते हैं, ठीक है? इनको प्रॉब्लम हो जाने लगती है। तो ये कैसा पोल्यूशन हो गया एयर का, ये हो गया बायोलॉजिकल पोल्यूशन, क्योंकि बायोलॉजिकली एयर की जो क्वालिटी है वो ऑल्टर कर गई है, ठीक है? उसमें बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस आ गए हैं जो हमें बहुत ज़्यादा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा थ्रेटन कॉज कर रहे हैं, ठीक है बेटा? केमिकल क्या होता है, किसी केमिकल की मात्रा ज़्यादा हो गई है, ठीक है? सपोज दैट आपने सुना था भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है? भोपाल गैस ट्रेजेडी में बच्चों देखो कितने ज़्यादा लोगों की मौतें हुई, लगभग 45,000 का तो गवर्नमेंट आंकड़ा है, लेकिन गवर्नमेंट आंकड़ा कभी सही होता ही नहीं है ऐसे केसेस में, ठीक है बच्चों? आपको पता है 2 और 3 दिसंबर की रात क्या हुआ था, क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुई वाटर के साथ रिएक्ट करके, पूरे पूरे भोपाल में, लगभग भोपाल के काफ़ी मेजर हिस्से में वो फैल गई, जिससे लोगों को क्या होने लगा, लोगों को लगा ये अमोनिया है, लेकिन वो गैस कौन सी थी बच्चों, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है? तो ये काफ़ी जो था ब्लैक डे था हमारी इंडियन हिस्ट्री में, काफ़ी लोगों की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी, काफ़ी लोग मर गए थे, ठीक है बच्चों? तो ये कैसा पोल्यूशन था एयर का, ये केमिकल पोल्यूशन हुआ, जो केमिकली हुआ। फिजिकली क्या होता है बच्चों, कभी कोई पर्टिकुलेट मैटर है, ठीक है? आपको पता है CPCB ने क्या कहा है, CPCB क्या होता है बच्चों, फुल फॉर्म याद करिए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है? CPCB होती है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अकॉर्डिंग टू CPCB इट वॉज डिटरमाइंड दैट अगर कोई भी पर्टिकुलेट मैटर है जिसका साइज लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर है,
तो वो कैसा है बच्चों, हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। कोई भी पर्टिकुलेट मैटर जो 2.5 माइक्रोमीटर है या उससे कम का है साइज का, वो हमारे लिए कैसा है, बहुत ही हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है बेटा? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीपली इनहेल्ड होता है हमारे लंग्स में। हम उसे डीपली इनहेल करते हैं, ठीक है, फिर वो एक्सहेल नहीं हो पाता है बच्चों, वो पेनिट्रेट करके लंग्स में फंस जाता है, जो क्या कॉज करता है, इरिटेशन कॉज करता है, बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करता है, बहुत सारे डिजीज हमें हो जाती है। तो इसीलिए CPCB ने क्या कहा, ऐसे पल्यूटेंट्स या ऐसे पर्टिकुलेट मैटर जिसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर्स है या उससे कम है, वो कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। चलिए, द इम्पॉर्टेंट एयर पल्यूटेंट्स आर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा खतरनाक पल्यूटेंट्स जो हैं एयर पल्यूशन के लिए, वो कैसे हैं बच्चों, सल्फर हो गया। आपको पता है एसिड रेन में, जब एसिड रेन हुई थी आगरा में ताजमहल के ऊपर, जहाँ पर आज भी इसके स्ट्रेन देखे जाते हैं, तो किस किस के मिक्सचर से हुई थी बच्चों, वो SO2 और NO2, यानी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको पता है बेटा, एयर पोल्यूशन हमने पढ़ी है क्या होता है। अब द इम्पॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट्स आर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, स्मोक और ओजोन। आपको पता है बेटा कि जब एसिड रेन हुई थी आगरा के अंदर, ताजमहल के ऊपर भी, जहाँ पे आपको निशान आज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो एसिड रेन जो होता है वो दो गैसेस से मिलकर हुई, वहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर मिले और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिले। आपको पता है बच्चों, ये दोनों ऑक्साइड्स मिलकर के एसिड रेन को कॉन्स्टिट्यूएंट्स करते हैं, ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए स्क्रबर बनाए गए हैं बच्चों, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन NO2 काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। काफ़ी रिएक्शंस में बच्चों क्या होता है, जब आपका कंबशन होता है या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, तो क्या रिलीज होता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर रिलीज होते हैं और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज होते हैं। नेक्स्ट है बेटा ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन की भी सूटिंग पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, ये भी काफ़ी हार्मफुल होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डीपली इनहेल्ड हो जाते हैं, काफ़ी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं। नेक्स्ट आपका स्मोक। आपको पता है स्मोक कितना डेंजरस है, ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा देर तक स्मोक में नहीं रह सकते, वरना आप क्या हो जाएंगे, अनकॉन्शियस हो जाएंगे बच्चों। स्मोक जो ठंड के अंदर आपको मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और ओजोन। चलिए, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे नोटिस की। अब नेक्स्ट आते हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या हैं बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश के अंदर एयर एक्ट बनाया गया। एयर एक्ट क्या था बच्चों? तो बच्चों आपको पता है इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि एयर एक्ट क्या हुआ। इंडिया के अंदर एयर एक्ट यानी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर को लेकर के एक एयर एक्ट बनाया गया, जो 1981 में फोर्स में आया, ठीक है। हमने देखा 1981 में ये बना, लेकिन इसका प्रॉपर अमेंडमेंट कब हुआ बच्चों, 1987 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर के अंदर हमने नॉइस को भी कंसिडर किया गया। पहले क्या था, हम एयर पोल्यूशन अलग पढ़ते थे, नॉइस पोल्यूशन अलग पढ़ते थे, लेकिन 1987 में ये नोटिस किया गया और प्रॉपर अमेंडमेंट हुआ इस चीज़ का कि एयर के अंदर अगर प्रॉपर नॉइज है तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा नॉइज़ है, जैसे 150 dB या उससे ज़्यादा, dB क्या होता है, डेसिबल्स, तो 150 डेसिबल से ज़्यादा नॉइज़ है या इसके अराउंड 100 डेसिबल से ज़्यादा नॉइज़ है, तो ये भी किस चीज़ का हिस्सा है बच्चों, एयर पोल्यूशन का हिस्सा है, ठीक है, ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन कॉजेस क्लोरोसिस एंड डीफ्लोटेशन ऑफ लीव्स एंड प्लांट्स। इसका मतलब क्या है, क्लोरोसिस मतलब क्या होता है बच्चों, येलोइंग हो जाना, ठीक है। जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, वो प्लांट्स की पत्तियां जो है उनको क्या कर देते हैं, क्लोरोसिस, मतलब कि यहाँ पे क्लोरोफिल जो हो रही है वो लूज हो रही है, क्लोरोफिल को ख़त्म करते हैं, और क्लोरोफिल को ख़त्म करेंगे तो ग्रीन पत्तियां कैसे हो जाएंगी, येलो, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं बच्चों, एक होती है क्लोरोसिस, एक होता है नेक्रोसिस, तो इनमें कन्फ्यूज मत होना। जब लॉस ऑफ क्लोरोफिल की बात की गई तो क्लोरोसिस, नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यू,
ठीक है। इससे क्या हुआ बच्चों, लीव्स के जो शेप थी वो खराब हो गई, लीव्स का जो कलर था वो चेंज हो गया, ग्रीन से कैसे हो गई, येलो हो गई। तो ये सबसे बड़ा इफेक्ट था एयर पोल्यूशन को लेकर के। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बींग्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन कॉजेज आई इरिटेशन। एयर पोल्यूशन के कारण आईज में कितनी प्रॉब्लम होती है, आईज इरिटेशन होती है बच्चों, हमें नेसल इरिटेशन, नोज में इरिटेशन होती है, ठीक है, क्रोनाइक कफ होता है, हमें सूखी खांसी हो जाती है, कफ बन जाता है, हमें सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है, दुख होता है, फिर यहाँ पे पेन होता है, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस मतलब जब लंग्स में प्रॉपरली बच्चों एस्थमैटिक हो गए, जैसे ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई का फूलना, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है वहाँ पे, जिससे क्या होता है बेटा बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग में काफ़ी डिफिकल्टी होती है, ठीक है। और ये सब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्यों हो रहे थे, ये हो रहे थे बेटा एयर पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। आज आप जितनी भी मेजर प्रॉब्लम देखते हो जो एयर पोल्यूशन की वजह से होती है वो काफ़ी हार्मफुल है, ठीक है, आप चाहे ब्रोंकाइटिस ले लीजिए, ठीक है, चाहे ओआरडीज ले लीजिए, चाहे अस्थमा ले लीजिए, एम्फिसिमा, एम्फिसिमा किसकी वजह से होता है बच्चों, स्मोकिंग की वजह से होता है, लेकिन अगर एयर में ही इतने ज़्यादा स्मोकिंग पार्टिकल्स हैं तो फिर भी क्या चांसेस होता है, एम्फिसिमा के चांसेस डबल हो जाते हैं, ठीक है। आप स्मोकिंग तो कर ही रहे हो, साथ में साथ इतनी जहरीली हवा जो है, ठीक है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट होता है बेटा, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद रेन वाटर एंड कॉजेस एसिड रेन। नीट के अंदर क्वेश्चन था बच्चों कि वो कौन से दो ऑक्साइड्स हैं जो एसिड रेन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने एयर पोल्यूशन देखा बच्चों, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स और स्क्रबर्स बनाए गए जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर हमने यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन को इंक्लूड किया एयर के अंदर, आपको पता है मोर देन 150 डेसिबल्स या 100 डेसिबल्स, 100 डेसिबल्स 150 डेसिबल्स से ज़्यादा नॉइज़ जो होती है या इन बिटवीन द रेंज जो नॉइज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है बेटा हमारे लिए, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है इससे, हार्ट पल्पिटेशंस हो सकते हैं, इंसोम्निया हो सकती है, ठीक है, ब्रीदिंग रेट बढ़ सकता है, तो ये काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स हैं बच्चों जो नॉइज़ की वजह से होते हैं और जो एयर पोल्यूशन में ही कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है बच्चों, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन रिजल्ट्स इन ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, कार्बन के ऑक्साइड जो थे वो मेनली रिस्पॉन्सिबल थे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। द फोटोकेमिकल स्मोक डिस्ट्रॉयज प्लांट वेजिटेशन, आपको पता है कि दो टाइप के स्मोक है, आपको लंदन स्मोक पढ़ा है, आपने क्लासिकल स्मोक पढ़ा है, ठीक है, लंदन और क्लासिकल स्मोक एक ही है, सेकेंड स्मोक आपने और पढ़ा है, आपने ये बताइए ये जो स्मोक है ये क्यों होते हैं, ये रिएक्शंस के कारण होते हैं बच्चों, यहाँ पे प्राइमरी पल्यूटेंट और सेकेंडरी पल्यूटेंट मिल करके क्या करते हैं, एक ऐसा जैसे पैन आप देख लीजिए, ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। प्राइमरी पल्यूटेंट वो पल्यूटेंट्स होते हैं बच्चों जो एज इट इज़ हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, एंड सेकेंडरी पल्यूटेंट वो पल्यूटेंट्स होते हैं जो दो पल्यूटेंट्स की कॉम्बिनेशन के दौरान बनते हैं, ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल ओजोन हो गया आपका, ठीक है, पैन हो गया जिसे पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट कहते हैं, तो ये आपका लंदन स्मोक, क्लासिकल स्मोक काफ़ी खतरनाक स्मोक होते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, द ओजोन फॉर्म्ड बाय फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन एट लोअर लेवल ऑफ एटमोसफेयर इज कॉल्ड फोटोकेमिकल स्मोक। इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों कि जो फोटोकेमिकल स्मोक है आपकी वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, यहाँ पर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, एक बार देखिए, द ओजोन फॉर्म्ड बाय, वो ओजोन जो फोटोकेमिकल रिएक्शन के दौरान बनती है नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन के एक्शन से, जब NO2 प्लस हाइड्रोकार्बन अंडर अल्ट्रावायलेट रेज एक्ट करता है तो क्या बनता है बच्चों, फोटोकेमिकल स्मोक बनता है, ठीक है। तो अब दो टाइप के स्मोक पड़ते हैं, लंदन और क्लासिकल स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक, ये सब स्मोक जो होता है काफ़ी खतरनाक होते हैं, ठीक है, एक ऑक्सीडाइजिंग होता है, एक रिड्यूसिंग होता है, जो आप केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, अब कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन क्या था बताइए, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बच्चों दो चीज़ें बनाई गई, मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर
और सेकंड स्क्रबर। स्क्रबर अभी बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में पढ़िए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या था बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल था 99% पर्टिकुलर मैटर को हटाने के लिए। कौन से पर्टिकुलर मैटर थे बच्चे? देखो, जैसे ही फैक्ट्रीज लगाई गई, फैक्ट्रीज में से क्या होता है बच्चों? एमिशन होता है गैसेस का, निकल रही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो गैसेस रिलीज हो रही है वो हार्मफुल गैसेस भी है और हार्मलेस गैसेस भी है। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स या स्क्रबर्स बनाए गए ताकि हार्मलेस गैसेस को अलग कर सके और हार्मफुल गैसेस को अलग कर सके, डस्ट पार्टिकल्स को हटा सके गैसेस में से, ठीक है, ताकि जो हार्मलेस गैसेस हैं उनकी क्वालिटी भी खराब ना हो जाए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव 99% ऑफ पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल प्लांट। जितने भी थर्मल प्लांट लगे हुए हैं बच्चों, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का रोल है कि वो 99%, देखिए कितना एफिशिएंट है, देखिए 99% पर्टिकुलेट मैटर को हटाता है प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट, जो एग्जॉस्ट में, जो धुएं में प्रेजेंट है फ्रॉम द थर्मल प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट है, इट हैज इलेक्ट्रोड वायर इन स्टेज ऑफ कलेक्टिंग प्लेट्स। यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रोड वायर्स का यूज़ होते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोड वायर्स का यूज़ करने के बाद यहाँ पे कोरोना इफेक्ट आता है। कोरोना इफेक्ट थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स पे प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ही कम स्पीड पे ट्रैवल करते हैं, ताकि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं बच्चों वो इलेक्ट्रॉन्स पर चिपक जाए। इसी दौरान जब वो ट्रैवल करते हैं, उनको वो नीचे बैठ जाते हैं आपकी प्लेट्स के ऊपर और हार्मलेस गैसेस आपकी निकल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसका रोल है? कोरोना इफेक्ट का रोल है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को अपने चिपकने के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट आता है, द इलेक्ट्रोड रिलीजेज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगी। दीज इलेक्ट्रॉन्स गेट अटैच टू द डस्ट एंड गिव देम एज अ नेट नेगेटिव चार्ज। ये इनको नेट नेगेटिव चार्ज दे दिए जाते हैं, जो क्या करते हैं बच्चों? एनोड की तरफ खींच लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, द कलेक्टिंग थिंग प्लेट्स एंड यहाँ पर एक चीज़, ये थोड़ा सा गलत हो गई है बच्चों, थोड़ा इसको कंबाइन कर लीजिएगा ट्रैक्ट्स को, ठीक है। द कलेक्टिंग प्लेट्स अट्रैक्ट्स द चार्ज पार्टिकल्स। अब जो नीचे एनोड है, एनोड का जो नेचर है वो कैसा है? वो है पॉजिटिव, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हैं? वो नेगेटिव है। तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या अटैच्ड है बच्चों? डस्ट पार्टिकल्स। तो अब क्या होगा? इसी दौरान सारा डस्ट पार्टिकल्स जो है वो आपकी प्लेट्स के ऊपर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पढ़ लिया अभी हमने, अब पढ़ते हैं स्क्रबर। स्क्रबर क्या होता है? स्क्रबर जो होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसको हटाने के लिए? SO2 को या सल्फर के ऑक्साइड्स को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखी दो चीज़ें जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर रही है। बेटा, अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए वो कौन सी चीज़ है जो 99% ऑफ पर्टिकुलेट मैटर को हटाने में सक्सेसफुल हो पाती है, ऑप्शन दे दिया आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, स्क्रबर या बोथ ऑफ द अबव। तो आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। और फिर पूछा कि SO2 के पर्टिकुलरली रिमूवल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आप क्या बोलेंगे बच्चों? स्क्रबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कैटालाइटिक कन्वर्टर्स। कैटालाइटिक कन्वर्टर्स किसके बने होते हैं बच्चों? प्लैटिनम के बने होते हैं, पैलेडियम के बने होते हैं, रोडियम के बने होते हैं। ये कहाँ पर फिट होते हैं? ये आपके ऑटोमोबाइल्स में फिट होते हैं। और ये क्या करते हैं बच्चों? हार्मफुल गैसेस को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं हार्मलेस गैसेस पे, ठीक है। जैसे जितनी भी कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको चेंज कर देंगे CO2 में, जैसे NO हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, ये किस में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों? आपके N2 में। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं? एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किसी ऑटोमोबाइल में कैटालाइटिक कन्वर्टर्स लगे हुए हैं और हम उसमें पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, उसमें लेड है, कहते हैं ना पेट्रोल में जब लेड की मात्रा मिला देते हैं, एडल्ट्रेशन कर देते हैं लेड का, तो अगर लेड उसमें चल गया तो वो क्या कर देता है? वो इनएक्टिवेट कर देता है इन कैटलिस्ट को, ठीक है।
तो ये ज़रूरी है कि अगर हम कैटालिटिक कन्वर्टर्स का यूज़ कर रहे हैं तो हम लेड वाले पेट्रोल को ना यूज़ करें। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें प्योर पेट्रोल यूज़ करना है बच्चों। तो यूज़ इन ऑटोमोबाइल्स फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस। हार्मफुल गैसेज जैसे बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या SO2। व्हीकल्स फिटेड विद कैटालिटिक कन्वर्टर शुड यूज़ एज अनलेडेड पेट्रोल। अनलेडेड पेट्रोल मतलब पेट्रोल में लेड के कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल नहीं होने चाहिए बच्चों। एज लेडेड पेट्रोल इनएक्टिवेट्स द कैटलिस्ट, क्योंकि जो लेडेड पेट्रोल है वो क्या कर देता है, वो कैटलिस्ट को इनएक्टिवेट कर देता है। और एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा बच्चों, प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम के बने होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है ऑटोफ्यूल पॉलिसी। अब क्या हुआ बच्चों, आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया की गवर्नमेंट थी या आप सेंट्रल गवर्नमेंट देख लीजिए, एयर पोल्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए बेटा यहाँ पे बहुत सारी यूरोज बनाई गई, जैसे यूरो सेकेंड, यूरो थर्ड, यूरो फोर्थ नॉर्म्स। तो ये जो नॉर्म्स बनाई गई, ये बेसिकली इनका पर्पस था कि एक तो पेट्रोल के अंदर और डीजल के अंदर जो PPM है लेड की वो कम करें, ठीक है, ताकि क्या ना हो, ताकि पोल्यूशन ज़्यादा ना हो, ठीक है। CNG को यूज़ करें। CNG का यूज़ क्यों करते हैं बेटा? वाई CNG इज़ बेटर देन पेट्रोल और डीजल, क्वेश्चन आता है। क्योंकि CNG जो होता है वो कम्प्लीटली बर्न होती है, वो पेट्रोल और डीजल की तरह रेसिड्यू नहीं छोड़ती हैं, ठीक है। सेकेंडली इसमें एडल्ट्रेशन नहीं कर सकते, कोई मिलावट नहीं कर सकते। तीसरा क्या होता है बच्चों, चीपर होती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है, और ईजिली अवेलेबल भी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब CNG की पाइपलाइंस को बिछाना पड़ेगा CNG के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब CNG इतनी जगह आप नहीं बिछा सकते हो, कहाँ कहाँ तक आप पाइपलाइंस लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता है दिल्ली के अंदर CNG का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये काफ़ी कम पोल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। इसीलिए आपकी ऑटो फ्यूल पॉलिसी बनाई गई जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, ठीक है, और इससे इससे जो पॉल्यूशन लेवल है वो काफ़ी कम भी हुआ। 2005 और 2008 के बीच में सबसे पहले नोटिस किया गया एयर पोल्यूशन कम हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट आता है वाटर पोल्यूशन। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर पोल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग वाटर पोल्यूशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बच्चों, वाटर पोल्यूशन है क्या, ये इम्पॉर्टेंट है जानना। आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है बच्चों, वाटर बॉडीज़ को एक्सेसिवली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उनको लगता है कि हर कोई गंदी चीज़ पानी से साफ हो सकती है, ठीक है। वो पानी की इम्पोर्टेंस को जानते हुए भी रिवर बॉडीज़ हैं, हम लोग कितना ज़्यादा पानी का मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। आपको पता है बेटा, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द इंडिया यूनिफॉर्म नहीं है। आप डेजर्ट एरिया में चले जाइए, वहाँ के लोगों से जाकर पूछिए कि वाटर, उनके लिए वाटर क्या है, पानी की कीमत क्या है, ठीक है। साथ ही साथ आप उन एरियाज़ में चले जाइए जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पर आप जाके पूछिए। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिविंग। जिंदा रहने के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बच्चों, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ कर रहे थे पानी का, पानी के अंदर केमिकल मिला दिए, फैक्ट्री में से जितना वेस्ट निकला सब पानी के अंदर डाल दिया, डेड बॉडीज पानी के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। आपको पता है, फॉरेन कंट्रीज में जाके देखिए, वहाँ पर पानी की, जैसे यहाँ पर आपकी गैंजेस रिवर है, गंगा रिवर है, यहाँ पर उनको पूज्य माना जाता है। लोग क्या कर रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, डेड बॉडीज उसमें फेंक रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है बेटा, वहाँ पर उनकी आप एक्चुअल केयर देखेंगे ना रिवर बॉडीज़ की, तो आप फॉरेन में देखिए वहाँ पे कितना प्रॉपर मैनेजमेंट है, ठीक है। तो हमें क्या नहीं करना है, हमें डेड बॉडीज़ या कोई भी जैसे रिचुअल मटेरियल है, हमको उन्हें वॉश ऑफ नहीं करना है पानी के अंदर, ठीक है। इससे क्या होता है बच्चों, पानी की क्वालिटी ख़राब होती है। साथ ही साथ फैक्ट्री से निकला हुआ जितना भी वेस्ट है, जितना भी चीज़ें हैं, वो हमें डायरेक्टली पानी के अंदर, रिवर स्ट्रीम्स के अंदर नहीं मारनी है। क्यों बच्चों, पानी की वैल्यू ख़राब होने के साथ साथ वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है, जो फिशेज हैं और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी एक्वेटिक चीज़ें हैं बच्चों, उनके ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ता है इस चीज़ का। फिर क्या करते हैं, हम देखते हैं कि पेस्टिसाइड्स कितने ज़्यादा मिलते हैं हमें। आज इन्हीं चीज़ों को हम लोग अच्छे से देखेंगे, ब्रीफली देखेंगे और जानेंगे कि वाटर की इम्पॉर्टेंस क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, एल्गल ब्लूम, यूट्रिफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन। इन चीज़ों को हम बच्चों अच्छे से नोटिस करेंगे। तो वाटर को
वाटर की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए एनवायरनमेंट में, ठीक है, उसकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को ना चेंज हो, ना उसमें कोई अल्टरेशन हो, इसी चीज को देखते हुए एक एक्ट बनाया गया जिसे हमने बोला वाटर एक्ट, मेजरली नोन एज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, एस्टैब्लिश्ड इन 1974. ऑल आर गेटिंग? चलिए, सबको ये बात समझ में आ गई, सबको वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर एक्ट समझ में आ गया. कब हुआ? 1974, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एस्टैब्लिश किया. कब अमेंडमेंट हुआ? 1974 में. ध्यान रखिएगा बच्चों, काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके ऊपर. नेक्स्ट आता है, तो वाटर पोल्यूशन क्या है बेसिकली बच्चों? अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. ठीक है, आपको पता है सबसे पहले कि जो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, बायोलॉजिकल चेंज है, वो क्या करता है? पानी की क्वालिटी को खराब करता है. ठीक है, सबसे पहले बायोलॉजिकल तरीके से देखते हैं. बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, हॉस्पिटल का जितना भी वेस्ट है बच्चों, अगर हम डायरेक्टली पानी के अंदर या रिवर बॉडीज में डाल देंगे, तो देखिए कितना मेजर खतरा हो जाएगा, कितना सीरियस रिस्क हो जाएगा कॉलरा होने का, टाइफॉइड होने का, जितनी भी वाटर बॉर्न डिजीज है. वाटर कैसा हो जाएगा? जहरीला हो जाएगा. ठीक है, तो बायोलॉजिकली क्या हो जाएगी बच्चों? बायोलॉजिकली वहाँ पे पैथोजेंस आ जाएंगे जो बायोलॉजिकली वाटर की क्वालिटी को खराब कर देंगे. एंड मेनली वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? वाटर पोल्यूशन के लिए. ठीक है, सेकेंड केमिकल. अब आपको पता है कि पानी के अंदर से सॉलिड्स को हटाना इज ईजियर, हटा सकते हैं, लेकिन अगर तब क्या होगा जब पानी के अंदर नाइट्रेट्स मिल जाए, नाइट्राइड्स मिल जाए या एग्रीकल्चर का वेस्ट मिल जाए, तब क्या होगा? तब बहुत ज़्यादा वो हार्मफुल हो जाएगा बच्चों. उसी से रिलेटेड एक दो तीन फेनोमेना है, वो हम आज डिस्कस करेंगे. तीसरी है बच्चों फिजिकल चेंज. पानी के अंदर बीओडी का कम होना क्या है बच्चों? ये भी एक फिजिकल चेंज है. ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई पानी के अंदर, तो वो पानी कैसा नहीं होगा? वो पानी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, बेनिफिशियल नहीं होगा. चलिए, द इम्पॉर्टेंट वाटर पोल्यूटेंट्स, जो इम्पॉर्टेंट वाटर पोल्यूटेंट्स है बच्चों, वो है आपका सीवेज वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स. एज यू नो दैट बच्चों, आपको कभी आपने सोचा है कि जो सीवेज है, जो ह्यूमन वेस्ट है बच्चों, ह्यूमन नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसे हम सीवेज कहते हैं. वो सीवेज बच्चों कहाँ जाता है? अगर आपको पता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस क्यों बनाए गए हैं? सीवेज को ट्रीट करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट आप ये जानते हैं कि अगर विलेजेस में सीवेज का ट्रीटमेंट ना हो तो वहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा? तो सीवेज जिसमें आता है बच्चों, उसको सीवेज वेस्ट कंसिडर किया जाता है. इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज से निकला हुआ जितना भी वेस्ट होता है बेटा. नेक्स्ट होता है केमिकल फर्टिलाइजर, जैसे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वो पानी में घुल करके बहुत ज़्यादा सीरियस इफेक्ट डालते हैं पानी की क्वालिटी के ऊपर. ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? मेजर वाटर पोल्यूटेंट बोला जाता है. नेक्स्ट आता है बेटा, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. वाटर पोल्यूशन के मेजर इफेक्ट क्या है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर? तो द सीवेज वेस्ट डायरेक्टली रिलीज टू वाटर सोर्स स्टिमुलेट द इंक्रीज ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स, इट कॉजेज वाटर बॉर्न डिजीज. आपको पता है ऐसे सोर्सेज जैसे हॉस्पिटल से निकले हुए जितना भी वेस्ट है, अगर हम पानी के अंदर डाल दें तो पानी की क्वालिटी खराब हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्मफुल पैथोजेंस आ जाएंगे और वो हार्मफुल पैथोजेंस क्या करेंगे? ह्यूमन बींग्स को बहुत ज़्यादा बीमार कर देंगे. ठीक है बच्चों, और क्या करेंगे? वाटर बॉर्न डिजीज भी पैदा करते हैं. न्यूट्रिशन एनरिचमेंट होने से बच्चों यूट्रिफिकेशन होगा. अभी हम देखते हैं यूट्रिफिकेशन क्या होता है, एल्गल ब्लूम वहाँ पर आ जाएगी. ठीक है, यूट्रिफिकेशन होता है बेटा जब पानी के अंदर नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स या कोई ऑर्गेनिक वेस्ट मिल जाता है, तो क्या होती है? नेचुरल एजिंग होती है लेक्स या रिवर्स या पॉन्ड्स की, उसी को प्रोसेस को कहते हैं यूट्रिफिकेशन. ठीक है, इसी वजह से वहाँ पे प्लैंकटॉनिक यानी कि फ्री फ्लोटिंग एल्गी वहाँ पे आ जाती है, जिसे हम कहते हैं एल्गल ब्लूम. ठीक है, इट इंक्रीजेस बीओडी, ये क्या बढ़ा देती है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा देती है. आपको पता है ये क्या होता है बच्चों? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड कर रहे होता है पानी में, तो वो किस चीज़ को यूज़ करते हैं बेटा? ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं. इसी वजह से अगर ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर है तो ज़्यादा बीओडी की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा होगी, ज़्यादा हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी. क्यों होगी?
क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड कर रहे हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को. इसी दौरान किस चीज का यूज हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन का यूज हो रहा है. अब ऑक्सीजन का यूज हो रहा है तभी तो बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं, उनका डिग्रेडेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. लेकिन इससे क्या होता है बेटा, पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो एक्वाटिक लाइफ के ऊपर बहुत गहरा संकट आ जाता है. ठीक है, बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो जाती है ये. थर्ड है, पेस्टिसाइड जब वाटर रिसोर्सेज में एंटर करता है तो वो क्या कर देता है? बायोमैग्निफिकेशन. बायोमैग्निफिकेशन क्या है बच्चों? बायोमैग्निफिकेशन है एक बहुत ही फैमिलियर फिनोमेना है जो आजकल देखी जाती है. यहाँ पर जितने भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जैसे DDT है, ठीक है, वो क्या होता है, पानी के अंदर घुलता है और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के अंदर चला जाता है, जैसे आपके जू प्लैंकटन्स. ठीक है, जू प्लैंकटन्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर DDT जो है बच्चों वो मेटाबॉलिकली एक्सक्रीट आउट नहीं होता बॉडी से, वो बॉडी के अंदर रिटेन रहता है. आपको कोई उससे बड़ा ऑर्गेनिज्म खाएगा, हायर ट्रॉफिक लेवल वाला खाएगा, तो क्या होगा, वही DDT की मात्रा उसके अंदर चली जाएगी और उसके अंदर और ज़्यादा बढ़ जाएगी. नेक्स्ट क्या होगा, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे वो चला जाएगा, उसको कोई और खाएगा, स्मॉल फिशेस खाएगी, स्मॉल फिशेस के अंदर और ज़्यादा मात्रा देखने को मिलेगी DDT. क्यों? क्योंकि एक्सक्रीटरी वेस्ट मेटाबॉलिकली एक्सक्रीट आउट नहीं होता है बॉडी से. नेक्स्ट होता है हायर फिशेस के अंदर. अब लास्ट वाली क्या है बच्चों, फिशेस, हायर फिशेस को कौन खाता है? बर्ड्स. बर्ड्स खाती हैं, तो बर्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा DDT की मात्रा देखने को मिली, अप्रॉक्स 2 PPM, जिससे क्या हो गया बच्चों, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया. अब कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बिगड़ने से क्या हुआ, जो चिड़िया के अंडे थे वो क्या हो गया, उनकी प्री मेच्योर ब्रेकिंग हो गई, पहले ही टूट गए, मेच्योर होने से पहले ही टूट गए और ख़राब हो गए, हैच्ड आउट हो गए. ठीक है, जिससे क्या हुआ, बर्ड पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया. ठीक है, नेक्स्ट आता है द मर्क्यूरी दैट एंटर्स द ह्यूमन बींग थ्रू फूड चेन कॉजेज मिनमाता डिजीज. मिनमाता डिजीज एक बहुत ही कॉमन डिजीज है बच्चों. ठीक है, ये आपके जापान के अंदर देखी गई है. ये मर्क्यूरी की वजह से होती है, फिशेस के अंदर मर्क्यूरी पहुंच जाता है, मर्क्यूरी एक्सक्रीट आउट नहीं होता बॉडी से, और ऐसी फिशेस को अगर कोई ह्यूमन बींग खा ले तो उनको बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा यूट्रिफिकेशन. यूट्रिफिकेशन क्या है बेटा? The process of increase in algal production in water due to nutrition enrichment is called eutrophication. अब ये क्या होता है? Actually बच्चों, आपको पता है जो eutrophication है, suppose that मैंने आपको बोला कि मैंने आपको दो pot दिए, दोनों में पानी है, एक में मैंने solid waste डाला है, एक में मैंने mixed waste डाला है, ऐसे केमिकल्स डाल दिए और पानी के अंदर उनको मिला दिया. अब मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए आप कौन से वेस्ट को इजीली हटा सकते हो? तो बोलेंगे कि मैम हम ये सॉलिड वाले को इजीली हटा सकते हैं. लेकिन बच्चों एक्चुअली क्या होता है, आपको पता है जो मिक्स्ड केमिकल्स हैं, जो पानी के अंदर केमिकल मिल चुके हैं, उनको हटाना बहुत ही मुश्किल है. और ये कैसे केमिकल्स होते हैं? ये एग्रीकल्चर से निकले हुए केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकले केमिकल्स हैं, जैसे आपका नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, और फॉस्फेट्स हो गया, और कुछ एसिड्स हो गए. तो ये क्या करते हैं बच्चों, पानी के अंदर ग्रो मिल करके किसकी प्रोडक्शन करते हैं? एल्गल प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, फ्री फ्लोटिंग एल्गी यहाँ पे आ जाती है, एल्गल ब्लूम बना देती है. हरी हरी काई जैसी आपने देखा होगा पानी के ऊपर तैरती रहती है, तो वो क्यों होता है? वो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है, जो क्या करती है, पानी की सारी ऑक्सीजन को विड्रॉन कर लेंगी. इससे क्या होगा, जो वहाँ पे फिशेज हैं उनको बहुत, उनके ऊपर बहुत गहरा असर होगा, और धीरे धीरे क्या होगी बच्चों, नेचुरल एजिंग होगी लेक्स की. ठीक है, पानी किसकी तरफ चलता जाएगा, जो वाटर बॉडीज है, जो पॉन्ड्स हैं, जो रिवर्स हैं, वो किसकी तरफ ट्रांसफॉर्म होती चली जाएंगी? लैंड्स की तरफ. ठीक है, अल्टीमेटली और इवेंचुअली वहाँ पे लैंड पोर्शन आपको दिखेगा और पॉन्ड बॉडीज खत्म हो जाएगी. ठीक है, जब इनका एक्सेसिव कलेक्शन हो जाएगा पानी के बॉटम पे. चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा बायोमैग्निफिकेशन. व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन? एक्युमुलेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल केमिकल्स, हैवी मेटल्स इन ह्यूमन बीइंग्स थ्रू फूड चेन. अब क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, पानी के अंदर आ गया DDT. DDT क्या होता है? DDT क्या था बच्चों? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट था, एग्रीकल्चर में यूज होता है. ठीक है, पानी के अंदर घुल गया, उसे खाया जू प्लैंकटन ने. जू प्लैंकटन ने जैसे ही खाया, वो बॉडी से उनकी एक्सक्रीटरी मेटाबॉलिक वेस्ट की तरह बाहर नहीं निकला, उनकी बॉडी में रिटेन रहा.
अब जो प्लैंकटन को खाया स्मॉलर फिशेज ने, स्मॉलर फिशेज के अंदर उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ी क्योंकि वो बहुत सारे जू प्लैंकटन को खाएगी। अब स्मॉल फिशेज को खाया लार्जर फिशेज ने, लार्जर फिशेज को खाया बर्ड्स ने, तो अल्टीमेटली इवेंचुअली क्या हुआ बच्चों, बर्ड्स के अंदर आपको प्रॉब्लम दिखी, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। और फिशेज, ऐसी फिशेज अगर ह्यूमन बींग्स खा ले तो फूड चेन ख़राब हो जाएगी बच्चों, काफ़ी सीरियस डिजीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी क्योंकि DDT की मात्रा उनके अंदर ज़्यादा दिखेगी। तो ये किसका फैमिलियर एग्जाम्पल था बच्चों, बायो मैग्निफिकेशन का, ठीक है। तो आपको यूट्रिफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन पता होनी चाहिए बेटा। अब होती है BOD। BOD जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर रह करके ऑर्गेनिक वेस्ट का डिग्रेडेशन कर रहे होते हैं तब उसी प्रोसेस के दौरान वो क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन। जैसे जैसे डिग्रेडेशन करेंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, और किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो कह सकते हैं जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उतनी ज़्यादा BOD होगी, हायर द पॉल्यूशन हायर द BOD, ये एक फॉर्मूला निकल के आया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोबियल ब्रेकडाउन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड BOD। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ब्रेकडाउन के लिए, डिग्रेडेशन के लिए ऑर्गेनिक वेस्ट को, उसको कहते हैं BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कह सकते हैं, ठीक है। चले, BOD इज हायर इन पॉल्यूटेड वाटर, लेसर इन ड्रिंकिंग वाटर, इम्पॉर्टेंट है बेटा। ड्रिंकिंग वाटर में कम होती है, पॉल्यूटेड वाटर में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है बेटा एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या होता है, जब प्लैंकटोनिक एल्गी, प्लैंकटोनिक एल्गी का मतलब होता है फ्री फ्लोटिंग एल्गी, जब पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं जैसे नाइट्रेट नाइट्रेट्स, तो वहाँ पर क्या ग्रो कर जाती हैं, फ्री फ्लोटिंग एल्गी जो पानी की सतह के ऊपर तैरती हैं। आप देखा होगा, आपने कभी गाँव में विजिट किया है, ठीक है, आप ऐसे पॉन्ड देखे होंगे आपने जिसके ऊपर एल्गी जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, एल्गल ब्लूम जैसे तैरते रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या होते हैं बच्चों, एल्गल ब्लूम्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, पानी की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इट कॉजेज फिश मोर्टैलिटी एंड पल्यूट वाटर। फिश की तो मोर्टैलिटी हुई, लेकिन साथ में साथ दूसरे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को भी खतरा हो गया। तीसरी चीज़, एजिंग हो गई बच्चों। ये जो एजिंग वाला प्रोसेस है ना, काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा वेस्ट निकल रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट में देख लीजिए, एग्रीकल्चरल वेस्ट में, ठीक है। तो डे बाय डे ये क्या हो रहा है बच्चों, ये प्रोसेस जो होती है यूट्रिफिकेशन की, वो फास्ट हो गई है, इसीलिए इसको हमने बोला कल्चरल या एक्सीलरेटेड यूट्रिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट। आपने देखा चेर्नोबाइल इंसिडेंट्स, आपको होमवर्क देती हूँ, 3 Mile आइलैंड्स और चेर्नोबाइल आइलैंड्स के बारे में आप सब गूगल से पढ़िएगा बेटा, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम न्यूक्लियर फिजन ऑफ हेवी एटम्स सच एज यूरेनियम थोरियम एक्सेट्रा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पावर्स रेडियो एक्टिव वेस्ट। न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी या न्यूक्लियर फिजन जैसी जब फिनोमेना होती है बच्चों, तो कुछ वेस्ट भी निकलता है, ठीक है। आपको पता है कि रेडियो एक्टिव इलेक्ट्रिसिटी का, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करें रेडियो एक्टिवली, तो इट इज़ गुड क्योंकि बहुत अच्छा पावर सोर्स है, बट साथ ही साथ ये क्या करता है, कुछ रेसिड्यू भी निकालता है बेटा, और ऐसे रेसिड्यूज़ को डंप करना बहुत ही मुश्किल है। आप पानी के अंदर इसको डंप कर सकते हैं तो पानी की क्वालिटी को ख़राब होगा, सॉइल के अंदर अगर आप इसे डंप करोगे तो सॉइल की क्वालिटीज ख़राब होगी। तो ऐसी कुछ फिनोमेनाज होती है, कभी कभी क्या होता है एक्सीडेंटल लीकेज हो जाता है, जैसे चेर्नोबाइल इंसिडेंट और 3 Mile आइलैंड्स में आपको देखने को मिला। तो उसी दौरान क्या हुआ बच्चों, रेडियो एक्टिव लीकेज हो गई, जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का एग्जाम्पल बनी, और काफ़ी लोग इससे मारे जा चुके हैं। आपको पता है रेडिएशन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस, ठीक है, जैसे UVB रेडिएशन हो गई, बहुत ज़्यादा ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके कैंसर कॉज करती है, ठीक है। दिस वेस्ट इज हाईली टॉक्सिक कॉजेज म्यूटेशन एंड कैंसर। आपको पता है जो हमारे अंदर DNA है या प्रोटीन्स है, वो प्रेफरेबली किसको बच्चों, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन को, जिससे क्या चांसेस होते हैं म्यूटेशन के। म्यूटेशन क्या है, सडन चेंज इन जीन्स, ठीक है, और ऐसी जीन्स जब ऑल्टर कर जाते हैं तो उनको कहते हैं कैंसर। द न्यूक्लियर वेस्ट शुड बी स्टोर्ड आफ्टर हैवी ट्रीटमेंट एंड पैक्ड इन स्पेशल कंटेनर्स।
जो ऐसे रेडियो एक्टिव वेस्ट है बच्चों, उनको स्टोर करके रखना चाहिए और उनके लिए प्रॉपर टेक्निक्स होनी चाहिए कि उनको जब हम डंप कर रहे हैं तो प्रॉपर टेक्निक्स के साथ करें जिससे मिनिमल इफेक्ट हो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि एक्सीडेंटल लीकेज ना हो जाए, क्योंकि बच्चों इतनी बड़ी ह्यूमन पॉपुलेशन है, उस पर खतरा हो जाएगा अगर रेडिएशन लीकेज हुई तो। ठीक है, इट शुड बी बरी डीप वाटर अंडर द ग्राउंड मिनिमम 60-80 ईयर्स फॉर द वेस्ट ऑफ स्टेबलाइज। लगभग इसको 60-80 साल लग जाते हैं स्टेबलाइज होने में बच्चों। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा डीप वाटर में जाके आपको डंप करना होता है और लगभग 60-80 ईयर्स चाहिए इसको स्टेबलाइज होने में। इवन देन देर इज अ हाई चांस ऑफ न्यूक्लियर कंटामिनेशन द सराउंडिंग एरियाज एंड द ग्राउंड वाटर। आपको पता है अगर हम अब इसको स्टेबिलिटी के साथ भी स्टेबलाइज डंपिंग भी करेंगे तब भी कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक्वेटिक लाइफ ऑल्टर कर जाएगी बच्चों वहाँ पे। ठीक है, साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी इसका काफ़ी गहरा असर देखा गया है। फेलियर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कैन हैव डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज, द यूज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल शुड बी अवॉइडेड इफ पॉसिबल। आपको पता है कि अगर कभी एक्सीडेंटल लीकेज हो गया तो कितने लोग मारे जाएंगे, कितनी ज़्यादा लाइफ्स के ऊपर ये बहुत बड़ा डेंजर है। तो इसीलिए न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर फ्यूल्स जो हैं बच्चों उनको मैक्सिमली अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, चलिए।